मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते हो? कितने देते हो? 13-14 कितने है? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है कोई तुमसे पूछ सकता है? तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या बात है बोलिए देवऋषि नारद, क्या चाहते हो? चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिवजी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए, ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है, इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं, नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया, नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जप करते। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा, एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो, समझ लेना जी जी हुए अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे मकर में जावे उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है हमारा? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं। फिर किस चीज का नाम? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए, 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन करो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान। अच्छा कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, हैं लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए है। एक भगवान शिव, देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का एक एक बार का एक महत्व है, उसको समझिए।
माता लक्ष्मी भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है, तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि, तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, कि छुपी रहेगी, और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है, पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी, कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें एक का सिक्का, दो का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है, उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो, वो केवल मकर संक्रांति को ही हो। कहते हैं मकर संक्रांति है जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, महाराज संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो या बच्चा गंदगी करता हो उसके लिए, कल शाम के समय पर प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा महाराज। जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए महाराज। जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है महाराज। ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर। हो शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है काली तिल्ली कल के लिए खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही हो, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाए तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है, उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाए, और भगवान शंकर के हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो, वहीं शंकर चढ़ी रंदना तिल्ली, उसी तिल्ली को वापिस कटोरी में उठा कर लिया, तीन दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज, आपकी शुगर हाई ऊंची।